मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था वह बहुत आलसी था पेट भरने के लिए बकरी के बच्चे और चूहों का शिकार करना उसको बहुत भारी पड़ता था शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना? दिमाग उसका शैतानी था यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगाड़ लगाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे एक दिन इसी सोच में डूबा सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी उसमें मोटा सा एक चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे सियार उन्हें देखता रहा उसके मुंह से लार टपकती रही फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई जब चूहा वहां से गए तब उसने दबे पांव उनका पीछा किया कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे सियार वापस लौटा दूसरे दिन प्रातः वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया उसका मुँह उगते सूरज की ओर था आंखें बंद थीं चूहे बिलों से निकले तो सियार को उसे अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वो बहुत चकित हुए एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा सियार मामा तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो सियार एक आंख खोल कर बोला मूर्ख तूने मेरे बारे में नहीं सुना मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी ये डोल जाएगी साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ रहा है चूहों में खुसर फुसर हुई चूहों के सरदार ने कहा सियार मामा तुम तो इस प्रकार टांग पर क्यों खड़े हो सियार ने ढोंग रचा मैं सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की मेरी तपस्या समाप्त होने पर फूलों की वर्षा हुई भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूंगा तो धरती गिरती हुई ब्राह्मण को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो एक चूहे ने पूछा तपस्वी मामा आपने अपना मुँह सूरज की ओर क्यों कर रखा है सियार ने उत्तर दिया सूर्य की पूजा के लिए दूसरे चूहे ने कहा और आपका मुँह क्यों खुला है सियार बोला हवा खाने के लिए मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूं मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा वे उसके और निकट आ गए अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार मन ही मन में खूब हंसा अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए सियार एक टांग पर खड़ा रहता चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बात के तीन चार चूहों को दबोच कर खा जाता फिर रात भर आराम करता सोता और डकारे लेता सुबह होते ही फिर वो चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता चूहों की संख्या कम होने लगी चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छुपी नहीं रही एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया है महात्मा सियार मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया हे hey, चतुर्मूषक यह तो होना ही था जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था वह दाव मारकर सियार के पंजे से बच गया असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार के गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गढ़ा दिए बाकी चूहा भी सियार पर झपटे और ने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया केवल उसकी हड्डियों का पिंजरा बचा रह गया